हर हर महादेव। देखिए प्रश्न किया हुआ है नवनीत पटेल, वर्ण वैश्य है, राजकोट गुजरात से। इनका प्रश्न है कि शमशान की भस्म को कैसे अभिमंत्रित किया जाए जो कि शिव जी के पूजन के योग्य हो जाए। शिव जी के पूजन के लिए शमशान की भस्म को कैसे अभिमंत्रित करते हैं, कैसे शुद्ध करते हैं, है ना, और इसकी विधि क्या है, ये पूछना चाह रहा है। अर्थात मुख्य रूप से ये इनका प्रश्न है कि क्या शमशान की भस्म को शिवजी पर चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा सुना गया है कि भगवान चिता भस्म का लेपन करते हैं, और यदि चढ़ाया जाए तो उसको कैसे शुद्ध करके चढ़ाया जा सकता है। देखिए इसका उत्तर, ऐसा शास्त्रों में कई जगह लिखा है, भगवान आद्य शंकराचार्य जी के स्तोत्रों में भी भगवान शंकर जी को चिता भस्मा लेपो, चिता भस्मा भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति, ये शंकराचार्य जी के स्तोत्रों में भी ऐसा कहा गया है, और कई जगह ऐसा शास्त्रों में पुराणों में वर्णन है, स्तोत्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान श्री शिव जी जो है चिता भस्म का लेपन अपने शरीर पर अंगों पर करते हैं। तो क्या हम किसी भी चिता की भस्म को शिव जी पर चढ़ा सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं चढ़ाया जा सकता, क्योंकि ऐसी कहीं भी पूजन पद्धति में किसी भी आचार्य ने कहीं भी ऐसा जहां भी शास्त्रों का वर्णन है पूजन विधान का, वहां चिता भस्म को चढ़ाने के लिए नहीं कहा गया है। शिवजी पर जो भी भस्म लगाया जाता है, भस्मानुलेपन होता है, वो यज्ञीय शुद्ध भस्म होती है, यज्ञीय भस्म को ही चढ़ाना चाहिए। इस तरीके से चिता भस्म शिवजी पर नहीं चढ़ाई जाती है और ना ही चढ़ाई जाना चाहिए। कहीं कहीं महाकाल इत्यादि पे ये करते हैं, वो उनका विधान है, वे जाने, समझे। तुम लोगों को, हम लोगों को चढ़ाने का कहीं भी जो है शास्त्रीय विधान नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं भी शास्त्रों में लिखा नहीं। अरे आप जो कहेंगे, आप जो लिखा चिता भस्म लेपो गरल मसनम देख पट धरो जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशै कपदवीं भवानि त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। ये जो बात कही गई है कि भगवान चिता भस्म का लेप करते हैं, और क्या है जो इसका दूसरा भाव है कि भगवान के पास में बोले भगवान भवानी की स्तुति है, तो बोले भवानी भगवान शंकर के पास में क्या था, चिता की भस्म लगाते थे, पहने खाने के लिए जहर, पहनने के लिए कोई वस्त्र नहीं, दिक्पट धरा यानी कि जो है दिगंबर। लेकिन तो फिर आज वो शंकर जगत बन गए, जगदीश कैसे बन गए, जो सबको प्रणम्य कैसे बन गए, क्या बात है। बोले भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। आह हे भवानी, आपने जो ऐसे भगवान शिव का पाणि ग्रहण कर लिया है ना, विवाह कर लिया है, इसलिए आपकी महिमा से भगवान शंकर भी महिमा मंडित हो गए। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान शंकर चिता भस्म लगाते हैं। देखिए शंकराचार्य जी पूज्यपाद कह रहे हैं, बोले हाँ वे लगाते हैं, वे तो जहर भी पीते हैं ना, चिता भस्मा लेपो गरलम अशनम, गरल माने जहर, अशनम जहर खाते हैं वो। तो क्या हम जहर का भोग लगाएं शंकर जी को, शंकर जी को क्या जहर का भोग लगाएं, और भोग लगाने के बाद वही प्रसाद लिया जाता है, तो भैया जहर का जो भोग जो चिता भस्म लगाया है वो चिता भस्म भाई चढ़ाओ, और जहर का भी भोग लगा, और जहर का भोग लगा करके आप प्रसाद लो। अगर आपकी इच्छा है और आपकी सामर्थ्य है कि आप भोग लगा करके प्रसाद इसको ग्रहण कर सकते हैं, तो भले लगा सकते हैं आप, अन्यथा ये मनुष्यों के लिए और स्वतः चढ़ाने के लिए ये कुछ भी नहीं है। वो तो जहर इसलिए ले लिया था उन्होंने कि भाई देखो संसार का हित हो,
संसार का हित करने के लिए, जो यद्यपि वे जो है भगवान रुद्र को, शिव जी को जो संहार का देवता कहा जाता है, संहार करते हैं, लेकिन भगवती पार्वती जी की कृपा से भगवान आदि शंकराचार्य भगवत पाद आनंद लहरी में कहते हैं कि आपकी कृपा से उन्होंने ये जो है अपना स्वभाव भी छोड़ दिया और वे जो है संसार के जो विनाशक थे वे जो है संरक्षक बन गए और जहर का पान कर लिया उन्होंने। तो ये बात है, तो वो तो इसलिए पान कर दिया, रोज थोड़ी भोग लगाते हैं जहर का ही जहर पीते हो। इसी तरीके से चिता भस्म की जो बात है, तो भगवती सती का जो योगाग्नि में शरीर दग्ध हो गया था, तो उनके प्रेम के कारण वही चिता की भस्म जो है भगवती के जो है भस्म जो थी वही अपने अंगों में अलेपन कर लिया, लगा लिया। तो ये बात अलग है, रोज थोड़ी चिताओं की भस्म जो हम लोगों की ऐसे कोई जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से ग्रसित अज्ञान में पड़े हुए लोगों की ये जो अविधि पूर्वक जो चिता भस्म जो है निकलती है, चिता का जो दहन होता है उसकी भस्म को क्या भगवान शंकर पर चढ़ाना और वो लगाना वो स्वीकार करेंगे? ये सर्वथा अशास्त्रीय है। तो यदि आपको भगवान शंकर पर भस्म चढ़ाना है जहाँ लिखा है, तो वो विधि पूर्वक हुए अग्निहोत्र हवन इत्यादि की जो जो भस्म है उसको भगवान पर शोध करके चढ़ाया जा सकता है, चढ़ाना चाहिए। इसी तरीके से धतूर इत्यादि को चढ़ाने के लिए कहा गया है, बस वे आप चढ़ा सकते हैं, अन्यथा कोई जहर इत्यादि का वहाँ चढ़ाने की बात शंकर जी के लिए नहीं है। जो शास्त्रों में पद्धतियों में जो जितना लिखा है वही करना चाहिए। भगवान शंकर क्या करते हैं, वो तांडव नृत्य करते हैं, क्या क्या कार्य नहीं करते हैं, है ना, तो वो जो करते हैं वैसा हमें नहीं करना है, ना ही उनके लिए वैसा करके बतलाना है। वो तो भूतों के साथ रहते हैं, भूत उनके पास में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम जो किसी भूत भूत को जो है वहाँ जो भूत वाले को ले जाएं पकड़ करके और बोले भगवान शंकर के पास में भूत रखिए वहाँ भी भूतों की स्थापना होगी। अरे बोले शमशान में रहते हैं तो भगवान शंकर जी को ही शमशान में बिठा दिया जाए या उनके ही पास में जो है चिता जलाने लग जाएं, ये सब नहीं है। शमशान स्वा कीड़ा, ये भगवान की कीड़ा शमशान में होती, तो क्या हम शमशान में भगवान का मंदिर बनवा दें? ये सब निषिद्ध है। इस तरीके से एक बात और कि भगवान शंकर जी के साथ में जितना जो है लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका परिणाम भोगना पड़ेगा लोगों को। भगवान शंकर को लापरवाही बना दिया लोगों ने, चाहे जहाँ जो है मंदिर बना देते हैं और उसमें कुत्तों तक का प्रवेश है, क्या ये मर्यादा भ्रष्ट नहीं है? इस तरीके से मंदिर बनवाना, भ्रष्ट मर्यादित मंदिरों को बनवाने का जो पातक होता है वो पूरे राष्ट्र को भोगना पड़ता है, पूरे कुटुंब को और पूरे परिवार को तो भोगना ही पड़ता है, समूल उन्मूलन लिखा हुआ है, सब जो है पतन हो जाएगा, जन्म में चले जाएंगे और जो है कोई मूल भी नहीं बचेगा, ये बताया गया है। इसलिए शिवजी के मंदिर या किसी शिवजी हनुमान जी और दुर्गा जी को ऐसा जो है बना दिया है कि हर गांव में जो है पाँच पाँच दस दस मंदिर हैं और उसमें लोग तो जाते नहीं है, फुर्सती नहीं है, औरतें जाती हैं जिनका शिवजी से स्पर्श करना निषेध है, वे वो शिवजी को जो है अपना जल चढ़ाना, हाथ लगाना, मलना वो सब करती रहती हैं, और उनमें जाते कुत्ते, कुत्ते जो कुछ चढ़ाया है वो उनके ऊपर शिवजी के ऊपर जो है वो भी बतासा बतासा जो भी कुछ रख दिया और कुत्ते उसको चाटते रहते हैं। ये सब ना तो उसमें देवता है ना कोई वो शिवजी है, इस तरीके से मंदिर बनवाना पातक है। तो जो जो लोगों के यहाँ ऐसा ऐसा होता है, जो लोग ऐसा करते हैं उससे बचें और वहाँ की मर्यादा बना करके रखें। इसीलिए पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने एक नारा लगाया था, हम सब लोगों को उसमें जो है प्रेरित प्रेरणा की कि आप सब इसका जो है व्यवस्था बनाएं, इसको सुचारू रूप से चलाएं कि मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे, मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे। सुरक्षित कब रहेगी? जब वह वैदिकीय विधि से उनकी पूजा आराधना अर्चना होगी, न कि मनमाने ढंग से कि हम नहीं जा सकते कि हमारे नहीं है ठाकुर जी। अरे तुम्हारे तो हैं, लेकिन जो कोरोना हो जाता पिताजी को तब क्यों नहीं जाते उनके पास? तुम्हारे पिताजी नहीं है, भेंट लो उनको जा करके, लग जाओ हृदय से, तुम्हारे पिताजी हैं कि नहीं है? उनको रोग हो जाता तब तुम नहीं जाते हो। इसी तरीके से वो किस अवस्था में है, कहाँ है, तो इस तरीके से किसका किस में अधिकार है ये मानना ही पड़ेगा। जब आकर के जो कोई दंड लगेगा लगेगा, अब जो भय है तो हम लोग मानते हैं, शास्त्रीय पाप शास्त्रीय पुण्य ये तो कुछ दिखाई नहीं देते हैं, शास्त्र की विधि तो ये तो सब शास्त्र के अनुसार ही मानना पड़ेगा कि भाई यहाँ पुण्य है, इसको करने में पाप है,
इसका तो परिणाम मिलता है और परिणाम लोग भोग रहे हैं, तब भी फिर लोगों को पता नहीं चलता। इसलिए मंदिरों की मर्यादा व्यवस्थित रखें, जिस प्रकार शास्त्रों में जिस देवता की पूजन की जो विधि बतलाई गई है उसी अनुसार उनका पूजन होना चाहिए, न कि मनमाने ढंग से। हर हर म